दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर सांपों की 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से 600 ऐसी हैं जिनसे जानवर क्या इंसान भी खौफ खाते हैं। वजह, उनका मिनटों में यमलोक पहुंचा देने वाला खतरनाक जहर, और अपनी इन्हीं खतरनाक क्वालिटीज और जानलेवा एटीट्यूड के चलते किंग कोबरा और रैडर स्नेक का डंका भी कुछ ऐसे ही सांपों की लिस्ट में बजता है। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में एक तरफ होगा किंग ऑफ स्नेक यानी किंग कोबरा, तो वही दूसरी तरफ होगा नॉर्थ अमेरिका में अपने नाम की तूती बुलवाने वाला रैटल स्नेक, जहाँ की ताकत और क्वालिटीज के दम पर हम ये साफ करेंगे कि अगर भविष्य में ये दोनों शिकारी सांप एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होगी। सबसे पहले शुरुआत अगर दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांप किंग कोबरा से करें, तो ये धरती के सबसे खतरनाक स्पेसीज कोबरा और जेनस नाजा से ताल्लुक रखते हैं, जो कि सांपों के परिवार में सबसे अधिक पाए जाने वाला सांप है। ये अमूमन अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में भारी मात्रा में देखे जाते हैं। वहीं अगर बात खूंखार रैटल स्नेक की करें, तो ये जीव अपने जानलेवा जहर के कारण बेहद वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो ज्यादातर साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एरिया में देखे जाते हैं। आज के समय में इनकी लगभग 30 स्पेसीज अपने शिकार की तलाश में घूम रही हैं। रैटल स्नेक की पहचान उनके शरीर के आखिरी छोर पर बने रैटल के कारण होती है, जो अमूमन अपने दुश्मन को अलर्ट करने के लिए यूज में लाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें पिट वाइपर के समूह का माना जाता है, जो कि हीट को सेंस करने में काफी माहिर होते हैं। इनका सर ट्रायंगल शेप में होता है और प्यूपिल किसी कैट की तरह नजर आती है। यही नहीं दोस्तों, ये अपने मुंह को 180 डिग्री एंगल तक ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर काफी बड़े और जहरीले दांत आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं इनकी एवरेज हाइट 3 से 4 फीट तक ही मापी गई है। दोस्तों, किंग कोबरा कोबरा स्पीसीज का लंबा और महीन सांप माना जाता है, जिसकी औसतन लंबाई 20 फीट तक भी हो सकती है। देखने में ज्यादातर डार्क ऑलिव भूरे रंग के साथ काले, सफेद या पीले रंग की धारियों से सम्मिलित होते हैं। वह इनका वजन 4 से 6 किलोग्राम के बीच हो सकता है। इन्हें एशिया के कुछ देशों से इंडोनेशिया और म्यांमार में काफी पवित्र माना जाता है। वहीं अगर इस मामले में भारत की बात करें, तो यहाँ इन्हें भगवान शिव की रूप से पूजा जाता है। दोस्तों, रैटल स्नेक की तरह किंग कोबरा के सेंसरी ऑर्गन काफी तेज होते हैं, और ये अपनी टंग से केमिकल इंफॉर्मेशन रिसीव करके बाकी सांपों की सुगंध को पहुंचाने में मदद करता है। यही नहीं, इनकी तेज तरार आईसाइट का क्या ही कहना, जो अपनी नजर से किसी भी दुश्मन को 100 मीटर से भी ज्यादा दूरी से पहचान सकते हैं। किंग कोबरा और रैटल स्नेक दोनों के सहवास करने के अलग और यूनिक तरीके हैं। एक तरफ रैटल स्नेक वीवी पैरस होते हैं, वहीं किंग कोबरा ओवी पैरस की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, यहाँ वीवी पैरस का मतलब वो मादा सांप जो अपने अंडे अपनी बॉडी में होल्ड करके रखती है और अपने बच्चों को जीवित जन्म देती है। वहीं ओवी पैरस एक साथ काफी अंडे देते हैं। रैटल स्नेक बच्चों को जन्म देने के बाद जीवन जीने के लिए उन्हें अक्सर अकेले छोड़ देते हैं। वहीं किंग कोबरा का पैरेंटल स्टाइल काफी यूनिक है। ये पहले अपने शिशु के लिए घोंसला तैयार करते हैं, और फिर मादा किंग कोबरा ना सिर्फ उनमें 20 से 40 अंडे देती है, बल्कि उनकी रक्षा भी करती है। बच्चों के जन्म लेने में करीबन 60 से 90 दिन का वक्त लगता है, जहां मादा कोबरा बिना किसी डर के एक माँ की तरह उनके इर्द गिर्द अपना जीवन यापन करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जन्म लेते ही किंग कोबरा के बच्चे उतने ही जहरीले होते हैं जितना उनके पेरेंट्स, और ये अंडों से निकलते वक्त ही 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होते हैं, और इन्हें हैचलिंग कहते हैं। दोस्तों, बात इनकी जहर की करें, तो दोनों ही बेहद जहरीले सांप हैं। जहाँ रैटल स्नेक में हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, वहीं किंग कोबरा में शरीर को हिला देने वाला न्यूरोटॉक्सिक। अक्सर रैटल स्नेक के काटने पर जब हेमोटॉक्सिक शरीर में घुलता है, तो वह सीधे शरीर की मांसपेशियों को खोखला करना स्टार्ट करता है, और फिर ब्लड क्लॉथिंग, इसके कारण मरीज की जान चली जाती है। अगर बात न्यूरोटॉक्सिक की करें, तो यह जहर दुनिया के सांपों में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक जहर है, जो सीधे जाकर शिकार के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और पैरालिसिस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर बात करें इनके एंटी वेनम की, तो इन दोनों के जहर को सक्शन से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। इन दोनों के जहर के लिए देश में पर्याप्त रूप से एंटी वेनम मौजूद है, जो कि इनके खुद के जहर से बनाए जाते हैं।
ये तो हो गई इन दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन अगर ये दोनों खूंखार सांप एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो हमारी नजर में जीत किंग कोबरा की होगी, क्योंकि किंग कोबरा अपने से भी खतरनाक, यहाँ तक कि जहरीले सांपों को भी खा सकता है। यही नहीं, इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर रैटलस्नेक के हेमोटॉक्सिक के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करता है और शिकार को तुरंत मौत के घाट उतार देता है। इन्हीं उम्दा कारणों की वजह से किंग कोबरा रैटलस्नेक से हर मायने में दुगना घातक है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।